सत्ता विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोलिशन के लिए था। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या यह दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। जब धूप शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनी करते हैं। बने कैसे रह सकते थे? धर्म निरपेक्षता का बाना पहनकर, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बसाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। सवाल यह है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है। ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण, ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई हुई साझेदारी नहीं है। अध्यक्ष जी, ये चारा कांड और हवाला कांड की साझेदारी है।